नवीनबे आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए नवीनबे और पनवेल की ताजा तरीन खबरें। नमस्कार, मैं विश्वनाथ डे, जनता की आवाज़। इस खास शो पे आपका फिर एक बार स्वागत है। निर्मला सीतारामन ने 2019 का बजट पेश किया है, जिसमें 2.5 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल पर भाव बढ़ चुके हैं। इस पर आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा और क्या ये बजट लोगों के अच्छे दिन लाएगा, आइए इस पर जानते हैं। नवी मुंबई का किराया पेट्रोल का जो दाम बढ़ गया 2.5 रुपए, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना पेट्रोल महंगा है, अभी और महंगा हो जाएगा तो आम आदमी कैसे करेगा। रोज़ मतलब ऑफिस जाना है, किधर भी जाना है, पेट्रोल तो रिक्वायरमेंट है, तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। सरकार को सोचनी चाहिए कि इतना अमाउंट ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए था। 50 पैसे 1 रुपया बढ़ता है तो चलो ठीक है, पब्लिक कैसे भी एडजस्ट कर लेती है। 2.5 रुपया आज बढ़ाया, कल पता चलेगा 1-2 महीने में और 5-5 रुपया और बढ़ा देंगे तो पब्लिक पर असर तो होगा ही। पेट्रोल का जो इंक्रीज हुआ लोगों को अच्छा नहीं होगा, बाकी सब चीज़ों के मान सकते हो कि लॉन्ग रन में अच्छा होगा, लेकिन पेट्रोल है तो आम आदमी का पॉकेट बर्न होगा। डिसएडवांटेजेस में बोलना चाहूँगा वर्ड, और देखते हैं अगर गवर्नमेंट का होपफुली कुछ प्लान होगा, देयर इज अ बैकअप प्लान फॉर दिस एंड समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ इट, उसके लिए मैं होप कर सकता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट अरबाज के साथ विश्वनाथ डे की रिपोर्ट, नवी मुंबई आवाज़। नवी मुंबई आवाज़ को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवी मुंबई और पनवेल की ताज़ा तरीन खबरें।